वहीं यूक्रेन में रूसी सैनिकों का विरोध भी लगातार हो रहा है। ऐसी ही एक तस्वीर यूक्रेन के खेरसोन से सामने आई, जहां पर यूक्रेन के नागरिकों ने रूसी सैनिकों का रास्ता रोक लिया और हंगामा करने लगे। रूस के सैनिकों की गाड़ी जैसे ही रोड से गुजरने लगी, यूक्रेन के कुछ लोग वहां पहुंच गए और सैनिकों का रास्ता रोक लिया। अब देखिए इस दौरान की कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, रूस सैनिकों का किस तरीके से विरोध सामने आया है, विरोध किया गया है, ये नजर आ रहा है। और देखिए विरोध की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रूस के सैनिकों की गाड़ी जैसे ही रोड से गुजरती है, उस दौरान यूक्रेन के कुछ लोग वहां पहुंच गए और सैनिकों के रास्ते को रोक लिया जाता है। ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। तो देखिए और किस तरीके से ये जो गाड़ी है आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है इन तस्वीरों में। रूस के हमलों से यूक्रेन में हर तरफ तबाही का मंजर है। कई रिहायशी इलाके तबाह हो चुके हैं, बड़ी बड़ी इमारतें खंडर बन गई हैं और शहर के शहर तबाह हो गए हैं। तो वहीं सड़कों पर सैनिकों की लाशें बिखरी हुई हैं। रूस की सेना के बमों की बरसात झेल रहे यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं। रूस के कहर की गवाही ये तस्वीरें खुद ब खुद दे रही है। इस तस्वीर को देखिए, इन इमारतों की हालत क्या हो गई है। मिसाइल के हमले से इमारत तबाह हो गई है। यूक्रेन का दावा है इन इमारतों के ऊपर रूस के सैनिकों ने एयर स्ट्राइक किया, जिस वजह से इमारत ध्वस्त हो गई। इमारत से अभी भी आग की लपटें उठ रही है, तो वहीं इसके पास की ही दूसरी इमारत से धुआं उठता नजर आ रहा है। इन इमारतों की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस ने इनके ऊपर कितनी भीषण बमबारी की होगी। इस जंग में सिर्फ इमारतों को ही नुकसान नहीं हो रहा, सैन्य साजो सामान और सैनिक भी इसकी भेंट चढ़ रहे हैं। यूक्रेन और रूस के सैनिकों की लड़ाई में अब तक हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं। कई जगह तो शव अभी भी सड़कों पर बिखरे हुए हैं। ऐसा मंजर पिछले कई सालों में नहीं देखा गया होगा जो इस समय यूक्रेन में है। एक सुंदर देश युद्ध भूमि बना हुआ है। यूक्रेन जंग की आग में जल रहा है, हर तरफ तबाही का मंजर है, आसमान से बमों की बरसात हो रही है। लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगह में शिफ्ट कर दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में दुनिया का बड़ा विमान AN-225 भी तबाह हो गया। इस पर रूस ने बम गिराए थे। ने यूक्रेन में जो तबाही मचाई है उसे पूरी दुनिया देख रही है। रूस की बमबारी में दुनिया का सबसे बड़ा और यूक्रेन की शान AN-225 विमान मारिया तबाह हो गया। बमबारी में नष्ट हुए विमान का मलबा साफ बता रहा है कि रूस ने उस पर कितनी भीषण बमबारी की होगी। इस विमान को 1980 में कीव की एंटोनोव डिजाइन ब्यूरो कंपनी ने तैयार किया था। ये विमान 640 टन तक का भार उठा सकता था। कोरोना महामारी के शुरुआती दौर में इसका इस्तेमाल वायरस से प्रभावित कई देशों तक
दवाओं और मेडिकल इक्विपमेंट पहुंचाने में किया गया था। मगर बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार रूस ने इसे तबाह क्यों किया। दरअसल रूस यूक्रेन के उस हर ठिकाने को तबाह करने में जुटा है जो उसके लिए मजबूती बन सकते हैं। इसीलिए रूस यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को बर्बाद करने में जुटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वही टिहरी गढ़वाल के बराड़ी के रहने वाले मनीष राणा की यूक्रेन से घर वापसी हो चुकी है। मनीष खार्किव में एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए गया था। मनीष युद्ध के समय कई दिन तक खार्किव में फंसा रहा। अब ऑपरेशन गंगा के तहत मनीष की घर वापसी हुई है। मनीष सुरक्षित घर पहुंचा तो घर वालों ने राहत की सांस ली।